थायराइड का पॉइंट कैंसर का पॉइंट क्या है सर? थायराइड का पॉइंट पहले ही बोलना चाहता हूँ, पॉइंट सिस्टम अगर होती तो हम वहाँ पे परमानेंट मार्कर से मार करके घर पे स्वीक करके काम हो जाता, तो पॉइंट सिस्टम नहीं है, एग्जैक्ट साइंस है और वो हमें देखना है। जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बोर्ड के ऊपर लोगो लगाना होता है, तो मैंने सर से पूछा था, सर लोगो कैसा करो? ऐसा ही करूँ तुला जी आवड़ते देखे हो। एक बुक था वहाँ पे बड़ा पढ़ा था मैंने कि वनस्पति और उसका जो कुंडली के अनुसार या हमारे राशि के अनुसार जो प्रभाव रहता है उसके हिसाब से वो बुक था। तो वहाँ पे मैं तो कुंभ राशि थी, उसके हिसाब से अलग अलग वनस्पति देख रहे थे, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों में करना ये पसंद ही नहीं। तो सर से कहा था, सर ने कहा था कि तुझे जो वनस्पति ने अच्छा गुण दिया है वो इस्तेमाल कर, बोला सर आवड़ा पिंपरा तो था। तो वो पेशेंट को तीन पीपल के पत्ते दिए थे और वो तीन पत्ते जो है एक पत्ता पीछे है, और तब से वो हमेशा मैं देखता हूँ, जब भी देखता हूँ इंफिली का पेशेंट आने के बाद सर का वो आवले का इंसिडेंस याद आता है। और सिंपल जैसे ठुबे सर ने सुबह बताया, अगर इनफर्टिलिटी समझ के ट्रीटमेंट करोगे तो रिजल्ट नहीं आते हैं, पेशेंट को जो दिख रहा है वो समझ के ट्रीटमेंट करोगे, सिंपल बात नहीं बताता हूँ, आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में कॉलेज में इधर उधर या कोई प्रैक्टिस में क्या चलता है, बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स बने हैं, IUI चलता है, IVF चलता है, IVF के पीछे तो सब है अभी, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ भी जाएंगे। उत्तरवासी हमारे यहाँ की जाती है, USG के बहुत सारे गलत गलत स्कैम्स हमें पता है, USG के डॉक्टरों ने बताया, अलग अलग आते हैं, बहुत कुछ चलता है पैसों के लिए। लेकिन इनमें से नॉर्मल जो प्रेगनेंसी कंसीव होना चाहते हैं पेशेंट, उनको भी IVF किया जाता है, ऐसे भी पेशेंट देखे हैं, तो वो अलग बात है। आयुर्वेद में मर्म का ज्ञान है, उत्तरवस्ती की जाती है, क्षमण चिकित्सा है, शोधन है, हार्मोन्स करेक्ट करने के लिए कुछ लेप चिकित्सा की जाती है, डिलीवरी नॉर्मल करने के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। मुझे ये कहना है कि बहुत सारी चिकित्सा है, ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे वही अच्छा है, लेकिन जो बूस्ट है आयुर्वेद चिकित्सा विधकर्म अग्निकर्म करते समय स्पेशली जो स्पीड और बूस्ट में अगर चाहिए किसी पेशेंट को, तो विधकर्म अग्निकर्म हम अगर ऐड करेंगे, जैसे जॉइंट के पेशेंट में हम ऐड करते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में हम ऐड करते हैं, वैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट में जितने पेशेंट पे काम किया है उसका मैं यहाँ पे आपको एजिट बताने वाला हूँ। मर्म के बारे में पता है आप सभी को, विधकर्म और अग्निकर्म के दो तीन नियम है, समझे बगैर प्रैक्टिस किए बगैर या उसका आकलन शक्ति जब तक आती नहीं तब तक सुई टोचने से फायदा नहीं, कहीं पे भी टोच के फायदा नहीं। हरित की चूर्ण है, हरित की चूर्ण के बहुत सारे नाम है, 10-12 नाम है। हरित की चूर्ण देते समय अगर हम सोच के अभया सोच के काम करते हैं या पथ्या सोच के हम इस्तेमाल करते हैं या अनुलोमनी सोच के इस्तेमाल करते तो वो द्रव्य वैसे ही काम। कोई नए प्रैक्टिशनर है तो नए प्रैक्टिशनर देखना, पेशेंट आया है हमारे पास बैठा है, हम कागज पे लिखते हैं उसकी दवाई लिखते हैं, लेकिन अगर खुद हम दवाई निकालने जाते हैं तो अगर अलग से कुछ तो भी दवाई मिक्स कर देते हैं, हमेशा ऐसा होता है हमारे प्रैक्टिस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वनस्पति के या हमारे औषधि के नज़दीक जाते हैं तो हमारे जो तरंग है हमारे भाव है बदल जाते हैं और कुछ ना कुछ हमें ऐड करने की इच्छा हो जाती है और ऐड कर देते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। नए प्रैक्टिशनर का ही रहता है जो खुद दवाई निकालता है। तो जब हम प्रैक्टिस में मर्म का विचार करते हैं या हम चिकित्सा कोई भी चिकित्सा करते हैं विधकर्म अग्निकर्म से, हमें मर्म पता होने चाहिए। मर्म तो मेरा घर है और मैं हूँ, तो अलग अलग प्रकार से उसके अवयवों को हमें देखना है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे आपको पता है कि आयुर्वेद में सारी जो मर्म के उल्लेख है पुराणों से चलते आ रहे हैं, दुर्योधन के यहाँ पे भी जो मर्म पे उल्लेख आया है श्री कृष्ण का वो भी बहुत फेमस है, कर्ण के बारे में भी कवच कुंडला का उल्लेख आया है। ये डिटेल थ्योरेटिकल हो गया जो विधकर्म अग्निकर्म के समय में हमेशा बताता हूँ। भीष्म पितामह के भी यहाँ पे एक स्टोरी आई थी,
महाभारत में, तो वहां पे वो पूरे गिर गए थे। और तब वहां पे सब गए और कहा कि आपके पास जो नॉलेज है आपने लिया है, आप इच्छा मरण के व्यक्ति हो, इतने साल जिए हो, तो आपका नॉलेज हमें दीजिएगा। तब कहा उन्होंने कि अरे मैंने प्रण लिया था कि किसी स्त्री के ऊपर आघात नहीं करूंगा, स्त्री को मैं मारूंगा नहीं, लेकिन ये स्त्री के बाण जो है, शिखंडी के बाण है, वो निकालो मेरे यहाँ से, कृष्ण के रहने। तो युधिष्ठिर को प्रश्न आया था कि शिखंडी के बाण कैसे निकाले, थोड़ी पिंक बाण मारा था उसने, नॉर्मली बाण थे, तो वो निकाले कैसे बाण। तो वहां पे भीष्म पितामह ने बताया कि न इतक बाना शिखंडी ने, शिखंडी को मर्म का नॉलेज नहीं था, इसलिए उसने कहीं भी बाण मारे पीछे से, इधर से उधर से। अर्जुन ने जो मारे वो मर्म पे है, वो रहने दे, बाकी सब नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप युद्ध कर्म अग्नि कर्म करते हो, कुछ लोग कहीं भी टोचते हैं, कैसे भी करते हैं, मैं कहता हूँ शिखंडी मत बनो, अर्जुन बनो, नहीं तो रिजल्ट नहीं आए। पुराण से मर्मों का, मर्म आघात का वर्णन है, जैसे श्री कृष्ण को आघात हुआ था क्षिप्र मर्म के ऊपर और वहां पे उनको वेदनाएं हुई थी और वहां पे द्वापर युग का अंत था, उनको शाप था कि आप तड़प तड़प के आप यादव कुल का नाश देखोगे। शाप कैसे क्षिप्र मर्म पे आघात हो गया, अंगुष्ठ अंगुल मध्य क्षिप्रम नाम दत्तक विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च, वहां पे वर्णन है महाभारत में, उनको आक्षेपक चालू थे पूरी तरह से, यादव कुल का अंत होने तक आक्षेपक हो रहे थे, फिट सारे थे, देख रहे थे दूसरे मर गए फिर फिट सा रहे थे, ऐसा वर्णन है वहां। तो पैर में ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई जो मारने के बाद पूरे शरीर में आक्षेप कर आ रहा है, वात प्रकोप हो रहा है, तो वहां भी वात रक्त की ये क्षिप्र के ऊपर, आपको पता है सभी को, दो अंगुल हम युद्ध कर्म करते हैं और वो पूरी थी शरीर के जो वायु के विकार है उसके ऊपर हमें रिजल्ट मिलता। युद्ध कर्म सोचते समय हम जो करते हैं, सब लोग करते हैं, जो अभी तक हमें सिखाया है, प्रोफेसर से सिखाया, बुक में जो आया है, वही इस्तेमाल करके पेशेंट में रिजल्ट कैसे लाना है ये मैं बताऊंगा। पेशेंट वन टू, ये मैंने परसों स्लाइड बनाई थी, कल एक बच्चा पैदा हुआ है तो 601 हमारे हो चुके हैं। रिजल्ट कैसे आते मैं बताता हूँ, हमारे स्टूडेंट को पता है सीजन आता है, सीजन सीजन आता है डेली, एवरेज में बताता हूँ 8 से 10 नए पेशेंट इन्फर्टिलिटी के कपल्स आते हैं और उसमें से महीना भर में कम से कम 80-100 पेशेंट कलेक्ट हो जाते हैं। 2 महीने के बाद, 2 महीने पहले वाले पेशेंट के 80% रिजल्ट आ चुके हैं। मैं बताता हूँ बच्चों के, सर रे रिजल्ट तो सीजन आला, सीजन आला, वैसे ही बच्चे पैदा होने का उनका ही सीजन शुरू होता है। और एक ही दिन महीने में हमारे 15-20 बच्चे बाहर आ जाते हैं, उसमें से कुछ सक्सेस नहीं होते लेकिन बाकी सब सक्सेस होना शुरू होता है। ये जो यहाँ पे कपल दिया है वो इंसिस्ट कर रहे थे मैं यहाँ पे स्टेज पे आके बताती हूँ, मैंने कहा नहीं ये यूट्यूब पे जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। उसने कहा ठीक है, मैं मेरा फोटो आप ले सकते हो, बता सकते हो। ऐसे डॉक्यूमेंट्री 601 केसेस है और मेरे यहाँ की इतना अच्छा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी होने के कारण कंप्यूटर पे ही सब है। मैंने इन्फर्टिलिटी एक शब्द डाला तो 1200 से भी ज़्यादा केस पेपर आते हैं। मेरे पास 601 बच्चों के फोटो है जो मैंने वहाँ पे अटैच कर चुके हैं, ये इविडेंस देने के लिए हमारे स्टूडेंट को, यहाँ जो सीखते हैं पेशेंट कहाँ कहाँ से, यूएसए के पेशेंट है, कनाडा से है, अब नहीं लेना चाहिए कनाडा से, इंडिया के पेशेंट है, सऊदी अरेबिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जर्मनी से है, सब जगह से पेशेंट आते, फोन आते इन्फर्टिलिटी के। और मैं बताना चाहूँगा ये सभी को विद्ध कर्म किया जाता है क्योंकि ये सभी कंट्री में हमारे विद्यार्थी सेटल है, वहाँ पे गए हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं लेकिन विद्ध के लिए मैं यहाँ पे पेशेंट भेजता हूँ और वो विद्ध करते हैं और रिजल्ट आते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें से पेशेंट हैं। कहाँ पे है ये सर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। शिरोगत अध्याय, अग्निकर्म अध्याय, सुश्रुत चरिता, पूरी सुश्रुत उत्तर तंत्र में है, सबको पता है, बेस्ट अस्त्र है हमारा विद्ध कर्म की निडर 26/2। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अगर हमें किसी ने इंडिया से हका लिया
दूसरे कंट्री में भेज दिया, सिर्फ ये लेके जा सकते हैं और वहाँ पे रिजल्ट देंगे, क्योंकि तो इतना कॉन्फिडेंस ये अकेली नहीं डाल देती है। अर्धवृत्त प्रमाण आपको सब पता है, प्रोवाइडेड दैट, मैं ये सब बता रहा हूँ प्रोवाइडेड दैट आप सभी को सब युद्ध कर्म अग्निकर्म पेन मैनेजमेंट में डिसीज मैनेजमेंट अभी तक जो बताया वो सब पता है, ये पकड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। अग्निकर्म दहा चिकित्सा पुनर्भो अत्यग्र शूल्य तय, युद्ध कर्म के लिए जगह है, जगह फिक्स है, जगह बदलनी नहीं है, युद्ध कर्म कहीं भी नहीं करना है, अग्निकर्म कहीं भी कर सकते हो अत्यग्र शूल्य तय। युद्ध कर्म के लिए स्थान निश्चिति है, अब स्थान निश्चिति जिसको जिसको आती है उनको सिर्फ एक पेन और एक कागज लिखना है, मैं कुछ बताते जाऊंगा आगे आपको, ये जिंदगी भर काम में है। मैं बताता हूँ कि जो मैंने सर के यहाँ सीखा है उसके साथ में जो प्रैक्टिस में सीख के आया हूँ अभी तक उसका सार है। जैसे मैंने पिछले साल बताया था मानस रोग में, जिन्होंने वो ध्यान में रखा है उनको अभी तक मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं, इतनी अच्छी तरह से वो सेरेब्रल पाल्सी ऑटिज्म में रिजल्ट दे रहे। अब इन्फर्टिलिटी के जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ फोन आते हैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंजेस करके उनके बताता हूँ और वो दूसरे ही महीने में फोन करते सर एक्सीलेंट रिजल्ट आया है दूसरे महीने की प्रेगनेंसी का। ये मैं आपको अभी तक का नॉलेज एज इट इज आप सबको बताने वाला हूँ, प्रोवाइडेड दैट आप सबको ये सब पता है। सुवर्णशाला का बहुत लोग गलत प्रकार की करते हैं, यही कॉम्बिनेशन चाहिए सर्वाइकल में, या हमें यूटरस के लिए जब अग्निकर्म करना है तब हमें सुवर्णशलाका का माप ही चाहिए। अगर गलत हो रहा है दोबारा बनवाओ, फिर से गलत हो रहा है दोबारा बनवाओ, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट रहना चाहिए। रौप्यशलाका कुछ पेशेंट में काम में आती है, मैं आगे बताऊंगा। ताम्रशलाका मुझे अभी तक दो ही इन्फर्टिलिटी के पेशेंट में काम में आई थी, मैं बताऊंगा आगे कैसे। नेत्र रोगशलाका पेशेंट को जब दाह होता है नेत्र के लिए जो योगरत्ना करने बताई है, सर्व रोग नेत्र रोग प्रशमनी, अब नेत्र और इंद्रिय का क्या संबंध है बाद में बताऊंगा। मृत्तिका शलाका हरिद्रा कामला ऐसे पेशेंट में काम में थे, मैं आगे बताऊंगा। लोह शलाका सिंपल है, आपको पता है, डोंट यूज इट यू डोंट नो, आपको पता नहीं है रैंडमली करके फंसो मत, एक्यूरेट करो, रैंडमली करोगे तो होगा क्या, रिजल्ट नहीं आएगा। होता क्या है, अभी बहुत कॉलेज में मैं गया हूँ हरियाणा से लेके पंजाब तक सब कॉलेज में, यहाँ वहाँ पे बता है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मुझे बाद में फ़ोन करते सर आपने किया तब वो पेशेंट का हो गया। जैसे दिल्ली में गया था अभी, तब मुझे मैडम शायद आई नहीं, वहाँ पे दिल्ली में आया मैं गया था, वहाँ पे 20 पेशेंट मुझे दिए थे जिनको दो दो साल से अमेन्योरिया था, उनको मैंने एक ही वहाँ पे युद्ध कर्म किया, उसमें से दो पेशेंट में लैंड पुणे में लैंड होने तक उनको पीरियड्स आए थे। इतना इजी काम रहता है, लेकिन एक्यूरेसी से कैसे करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसा टॉल क्लेम्स कुछ नहीं, मैं हमेशा लेक्चर में बताता हूँ एज इट इज, जो सीखा है जो देखा है वो वैसे वैसे आगे मैं बताने वाला। तत्र सूक्ष्म शस्त्रम विद्धम अव्यक्त सृजम श्रवित, ये भी पता है आपको, स्नेहा देवी क्रिया योग ही तथा लेप नहीं अपनी अशुभ कार्य कर्म होता है, ये सब थेरेटिकल पार्ट है सब पता है। एनाटॉमी शरीर रचना आपको पता होनी चाहिए, गर्भाशय आपको पता होना चाहिए, योनि आपको पता होनी चाहिए, जैसे सुबह से हमने देखा है आपको हेतु लिंग संप्राप्ति ये सब पता है, मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह से वही सीखा है आपने। थोड़ा सा इन्फर्टिलिटी करते समय एक कंसेप्ट मैं हमेशा ग्रंथों को लेके करता हूँ वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये क्या है, ये है क्या यूटेरस, यूटेरस दिख रहा है ना। आयुर्वेद में पेशेंट जब आता है रिपोर्ट्स लेके, स्टूडेंट खड़े वाले, मैं रिपोर्ट नहीं देखता लेकिन वो देखते हैं क्या है इसको पीसीओडी पर फाइब्रॉइड है, इसको कहाँ पे विजिट करेंगे, ऐसा देखते हैं, बिल्कुल तजत पढ़ाई थी। अभी तक जो जो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हुए हैं अभी तक उनका थीम देखो वो रिपोर्ट के पीछे जाते हैं। मैं हमेशा वाग्भट वाचन में हमेशा मैं वाग्भट की रेफरेंस देता हूँ, जब सुबह हम ऑनलाइन लेते हैं सब बच्चों को, आयुर्वेद अवयव के पीछे जाता ही नहीं,
अथा तो फुफ्फुस शारीरिक विद्या अध्ययन वाक्य से हमें मिला है, अथा तो लिवर यकृत विज्ञान नहीं ना, अथा तो यूट्रस अध्ययन वाक्य से हम बिल्कुल नहीं है। तो हम क्यों पीछे जाते हैं उसको? जब भी पेशेंट आता है, सर उसका यूट्रस कैसा है, वो ऐसा है, वो देखने के पीछे नहीं जाना है, जो हमें बताया गया है दोषों के पीछे जाने की कोशिश करनी। सिंपल, जैसे गर्भाशय है, यूटरस है, यूटरस है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ऐसा अथा तो फैलोपियन ट्यूब अध्ययन वाक्य से हम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो क्या है वहां पे? त्रयावर्ता योनि तस्य तृतीय आवर्ति गर्भशया प्रतिष्ठित। सिंपल है, मत्स्य शकलाकृति योनि, योनि व्यापक में अलग अलग प्रकार के बता रहा हूँ, जो अभी तक आप सुबह से आपने अभी तक मैडम ने सर ने सबने बताया है। दोष दोष देखने के लिए पेशेंट जब आता है, हमेशा जब पेशेंट आता है पीसीओडी लेके आता है, तो पीसीओडी को देखो ही मत, जो दिख रहा है वो देखेंगे, उसके हिसाब से अगर काम करने जाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छी तरह से आते हैं। उत्तर बस्ती के बारे में हमेशा मैं बताते समय सेम प्लेन बस्ती के बारे में भी हमेशा मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। अगर किसी को डियोडिनम में तकलीफ है तो हम डियोडिनम तक कैटेटर डालते हैं क्या? नहीं डालते, डालते नहीं ना, वो कैपिलरी एक्शन से काम होता है। अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो ट्यूबल ब्लॉक तक हम कैटेटर डालना है? नहीं है, वो सोचना ही नहीं है, हमें सिंपल जो दिखता है उसके हिसाब से कर्म करेंगे। मैं एग्जांपल अभी टूबे सर का ही एग्जांपल देता हूँ, सर ने ट्यूबल ब्लॉक की पेशेंट भेजी थी, तो वो टीवीएस जैसे सर सुबह ही बता रहे थे, हम जब बाहर गए थे सर को छोड़ने के लिए सब तब बता रहे थे सर कि आजकल बहुत टीवीएस यूएसजी हो चुके हैं, सोनोग्राफी हो गई, उससे ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, या जब हम ट्यूब ओपन करने के लिए रिकैनलाइजेशन करते हैं या जो भी ऑपरेटिव करते हैं उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको ट्यूबल ब्लॉक है, हमने कुछ किया भी नहीं और वो प्रेगनेंसी लेके आता है, तो अपने आप ट्यूब थोड़ी खुल गए हो, तो उसके पीछे जाना नहीं है, सिंपल सिंपल चिकित्सा रखना है, ऐसा सीनियर लोगों का हमेशा कहना रहता है, वही मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पोजिशन, अब फिर भी यूटेरस साइंस है ना, साइंस है तो हमें पता होना चाहिए पोजिशन, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से युद्ध कर्मा करते समय पता होना चाहिए। यूटेरस है, पीछे क्या है उसके? इंटेस्टाइन। आगे क्या है? ब्लैडर। अभी सुबह बताते समय सर की एक स्लाइड थी, उसमें सर ने बताया था कि इनका विचार होना चाहिए, पीछे सद्य प्राण और मर्म है उदमर, आगे सद्य प्राण और मर्म है, इसके बीच में गर्भाशय है। सिंपल ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे विचार करना चाहिए, विचार करते समय, युद्ध करते समय, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के अगर करोगे, आप मुझे चार चार महीने के बाद फोन करने वाले हमारे पेशेंट निकल रहे हो। पोजीशन, जैसे अभी मैंने बताया है, आगे ब्लैडर है, बीच में यूटरस है, पीछे इंटेस्टाइन, दोनों यहाँ पे सद्य प्राण और मर्म है, पीछे गुदा है, आगे ब्लैडर है, आगे क्लेद का अवयव है, पीछे अपान वायु का मेन कर्म, एक ही वायु है, तीन प्रकार से काम कर रहा है, गर्भार्तव निकालने के लिए, पीछे मल निकालने के लिए, आगे उत्तर निकालने के लिए। आपने अभी तक देखा है सुबह से वही देख के आ रहे कि वायु जो है वो ही सब ये नियंत्रण करने वाला, वायु की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, बस्ती है नहीं वातादुर्दी योनि नारी ना होने पड़ा है, बस्ती श्रेष्ठ है वहां पे हमने पढ़ा है। जब वायु का संबंध आता है, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ निडल के बिना होगा नहीं, अभी तक ये देखा है, तो इसमें कैसे काम करना है मैं बताऊंगा। सबको पता है क्षिप्र मर्म के बारे में, मैंने बताया है पादस्य अंगुष्ठ अंगुले क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। नीतु मैडम युद्ध कर रही है क्षिप्र का, कुटे सरे तभी का है, एक रिवाइज दे रहा हूँ, पादस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च, वात रक्त व्याधि में स्तंभ में ऐसे बहुत सारे इसमें हम क्षिप्र मर्म के ऊपर दो उंगली विधन कर्म करते हैं, फ्रैक्चर से लेके सारे इसमें हम यहाँ पे विधन कर्म करते, सबको पता है काम है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि क्षिप्र मर्म के ऊपर दो रंगोली जब हम विधन कर्म करते हैं, तब क्षिप्र मर्म के जब आघात होता है तो हमें आक्षेपक तक दिखता है पेशेंट, और क्षिप्र मर्म के लिए जब आघात होता है
तब शिप्रा मर्म के ऊपर जब हम विधान कर्म करते हैं वातरक्त से लेके सारे व्याधियों में काम में आता है। विशेषतः जो तीन कंपोनेंट मैंने बताया है, जो अपान वायु का कंपोनेंट है, एक मूत्र निकालता है, दूसरा गर्भार्थ निकलता है, तीसरा मल निकलता है, तो तीसरा जो मल निकालने वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर ये विद्ध का हमें परिणाम दिखता है। ये मैं आगे बताऊंगा इसको डिफ्रेंशिएट कर कैसे करना है। दूसरा अंगुष्ठमूल, आपको पता है मैंने हमेशा बताया है कि अभी सर बता रहे थे कि मैडम ने अंगुष्ठमूल का उपयोग करके बहुत सारे अश्मरियों के ऊपर काम में किया है आपने, और हर फिशला पाइल्स इसके ऊपर आप काम करते हो, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका उपयोग वहाँ पे कैसे करना है। तो ये सिंपल है, आप सबको पता है वहाँ पे जो सिल्वर रिंग टच होती है वहाँ के ऊपर, वहाँ पे अंगुष्ठमूल है। जिसको अंगुष्ठमूल नहीं मालूम है उसको फिर से मैं बताऊंगा। दूसरा जो अपान वायु का कंपोनेंट है, जो मूत्र को बाहर निकालता है, वृद्धि या मूत्र में आया है, तो वहां पे हम ये अंगुष्ठमूल वेदन कर्म करते हैं। अंगुष्ठमूल करते समय आप देखिएगा वहां पे शादी के बाद जो व्हाइट रिंग पहनी जाती है वहां को फिर अंगुष्ठ का लैटरल पार्ट है। एक्यूरेसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भी तो है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ उतने ही समझ लेना है। लैटरल और मीडियल ऐसा हम वहां पे डिफरेंशिएट किया, अंगुष्ठ ये जो है लैटरल पार्ट है और लैटरल पे यहाँ पे फर्स्ट जो फोल्ड है ये जो फर्स्ट फोल्ड है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट फोल्ड और ये लैटरल की लाइन हम निकालेंगे, ये जो फर्स्ट सिंपल है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए मैं बता रहा हूँ। इनका जो यहाँ पे विद्धन नहीं करना है, ये जो लाइन है इसके सेंटर में विद्ध कर्म करना है, ये एग्जैक्टली लोग ऊपर करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे कर्म करना है विद्धन कर्म। अंगुष्ठमूल कहाँ पे आया है, अश्मरिन भी आया है, अंग विपर्यात लेफ्ट में है तो राइट में करना है, राइट में है तो लेफ्ट में करना है। कंपोनेंट कौन सा है, अपान वायु का जो मूत्र बाहर निकलने वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इसका एक्शन होता है। क्षिप्र वाला हमने देखा वहां पे वात रक्त में, जहाँ पे वायु का ज्यादा से ज्यादा संबंध है, वायु जो है पक्वाशय में उत्पन्न होता है, और मल का जो कंपोनेंट है, मल बाहर निकालने वाला, वहां पे हमें वेदन कर्म ये करना है। मेढ्र विकार में पुरुषों में, क्योंकि मेल फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे, बाकी हमने थेराटिकल मेडिसिन क्या करना है अलग अलग प्रकार से मकर ध्वज से लेके हमने चंद्रोदय तक हमने सर से सीखा है, बहुत सारे औषधियां हैं, लेकिन विद्ध कर्म करते समय लैटरली स्क्रॉटम के यहाँ पे हम वेदन कर्म एग्जैक्टली लैटरली है, इसका कोई ऐसा मार्किंग नहीं रहेगी क्योंकि हर एक का अलग अलग रहेगा, और सेवनी पे प्रैक्टिकली दो अंगुली बेस से हम वेदन कर्म करते हैं, ये ध्यान में रखना सिंपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है आपको दिख रहा है, प्यूबिक सिंपाइसिस और एएसआईएस। एएसआईएस क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे क्या है, प्यूबिक सिंपाइसिस। ये लाइन भूलना ही नहीं है, रेड वाली लाइन क्या है, गाइडेंस के लिए प्यूबिक्स का जो है लैटरल जो बोन का पार्ट है वो वाली है। ऊपर की जो टेढ़ी जो रेड लाइन है यहाँ पे देखिएगा, ये वहां पे मैंने क्यों निकाली है, ये पेशेंट अगर मोटा है, पेशेंट हमें पीसीओडी के हमें जो भी पेशेंट मिलते पेट फूले वाले पेशेंट मिलते, तो ये जो लाइन है ये अगर नीचे आ रही है तो इसको भी हमें दो अंगुल नीचे लेना होता है। अब जैसे नीतू मैडम अब नहीं है, तो क्या हुआ था कि प्रॉब्लम ऐसा था कि विद्ध कर्म कहाँ पे करना है, पेशेंट आया था सर के पास, पेशेंट ने कहा था कि सर मुझे 4-5 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, डॉक्टर सर ने ऊपर सुलाया और फिर विद्ध कर्म की निडल ली, पेशेंट को विद्ध कर्म किया, पेशेंट को कहा बाहर रुक, कहीं जाना नहीं, तो बाहर रुक जाना नहीं, आधे घंटे के बाद बोल मुझे। पेशेंट भाग के 20 मिनट में नीचे गई,
उसने पैड्स लिया और पैड्स लगाया और सर को आके बताया सर पीरियड्स आ गए। सर ने कहा ठीक, पेशेंट गई परेशान ना, असं कसं झालं सर असं होतं ना, उसको ही पकड़ा मैंने, तेरा कितनी बार ऐसे हुआ है? उसने कहा साल में मेरे जब जब पीरियड मिस होते मैं विद्या को आती हूँ, पीरियड्स आ जाते मैं घर पे जाती हूँ। मिलो ही असं असतं का, ऐसा रहता है का? सर को पूछा मैंने, बगीचा नहीं का बोलता। तो तब से मुझे पता चला जैसे बच्चे आते हैं विद्या देख के चले जाते हैं, लेकिन उसके डेप्थ जो है जब तक आप चार चार पाँच पाँच महीने के पेशेंट के फॉलोअप नहीं देखोगे तब तक समझते नहीं। कम से कम पाँच महीने के कम से कम फॉलोअप देखोगे तो ये रिजल्ट समझते। मेरा इतना सौभाग्य अच्छा था, मैं दो साल सर के साथ था और ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे, मैं भी करने लगा और उसके रिजल्ट आने लगे। तो कहाँ करता था, अब मैंने जब वहाँ पे लिखा तो लिखते समय एंटीरियर सुपर इलैक्स स्पाइन प्यूबिक सिम्फाइसिस लैटरल वन थर्ड, सिंपल स्केल लेनी है एंटीरियर सुपर इलैक्स स्पाइन। जिसको पता नहीं बीडी चौरसिया का बुक निकालो, मैंने निकाला था प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर कोई फीमेल पेशेंट नहीं मिलते तो खुद का देखो एग्जैक्टली वो एनाटॉमी करेक्ट करो और वो लाइन निकाल के लैटरल वन थर्ड को। पहले दो साल में तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे थे। नीतू मैडम से बात हुई, नीतू मैडम ने बोला अरे ये तो मीडियल वन थर्ड है। मैंने सर का बुक निकाला था, मैं इतना अच्छा बच्चा था सर के पास, सर ने अ बोला तो अ ही लिखता था, सर ने ब बोला तो ब लिखता था, सर ने ए बोला एग्जैक्टली वैसे के वैसे मैं यहाँ पे करता। मैं क्या रिकॉर्डर लेके जाता था और जो सर ने बातें की पेशेंट को घर पे जाके सुनता था हेडफोन डाल के और वो लिखता था। तो मैंने पूरा किया एक साल। मैडम ने बताया कि मिडिल पॉइंट है, मैंने कहा लैटरल तो लिखा है मैंने, तो मैंने सुना सर भी लैटरल बोल रहे थे। मैडम ने कहा कभी सर बोलते समय ऐसा बोलते थे लेकिन हमें पता है, तो पूर्वा मैडम को पूछा वो भी बोली मिडिल पॉइंट है। अब खत्म ना, मैं तो लैटरल कर रहा हूँ ना दो साल से। अब मैडम ने वो कहा मिडिल है, तो हमारे डिस्कशन हो गया। मैंने कहा मैडम से, मैडम मैं अभी मीडियल और लैटिन का कंपैरिजन शुरू करता हूँ, लेकिन होता क्या है ये प्रश्न था। विद्या कर रहे थे, रिजल्ट आता है, तो एक सर से मैंने बात की। सर के पास तब यूएसजी की मशीन नहीं थी, टुबे सर के पास, उसके बाद में सर ने यूएसजी की मशीन ली थी, तो खुद हम गए थे वहां पे। अब सिंपल है, पेल्विक फ्लोर की एनाटॉमी, सर ने पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो आपको याद होने चाहिए। अब जो आपने स्पाइडरमैन का मूवी देखी है, किसको पसंद है मार्वल सीरीज की, तो स्पाइडरमैन के एक सीरीज में वो ऐसे नाले के गड्ढे में उतरता है और उतरता है तो वहां पे उसने मकड़ी का जाला ऐसा बनाया था और एक ऐसा पूरा राम ऐसा लॉन्ग था और वहाँ पे कोई दूसरे मकड़ी दूसरा कोई विलन आया था तो उसको बैठे कि उसको समझ में, घर में बैठे एकदम से बड़ा दरवाजा हमने बंद कर लिया तो खिड़कियाँ वगैरह आवाज आती। वैसे ही हमारा पेल्विक फ्लोर जो है, हमारा पेल्विक फ्लोर ऐसा बैठा है, उसके ऊपर यूटरस बैठा है। मैक्सिमम पेशेंट को क्या रहता है कि पीरियड्स आने तक स्तंभ, जैसे सर ने बताया है कि अलग अलग प्रकार के योग की पोजीशन सर ने दिखाई। पेशेंट को पता है किसी ने सिंहगढ़ चढ़ के आया पीरियड्स आ जाते हैं, किसी ने एक्सरसाइज की साइक्लिन की पीरियड्स आ जाते हैं, किसी ने प्राणायाम किया है, पूर्वी जाता दड़ाला जायचे पैसे उड़ी होने कंटिन्यू जाता दड़ाचे, पहली माजे ओवी गाना मना गाना गाते थे ऊपर से और चालू था कंटिन्यूसली। अभी भी कुछ पेशेंट को पुराने डॉक्टर देते हैं कि भाई ला आधा किलो दड़ा लो पीरियड चल जाता, सिंपल है। तो ये जो है पेल्विक फ्लोर का ही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे विद्या कर्म करते हैं तो वहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो स्तंभ गुण है संसार व्यास वेद स्वाप स्तंभ गुण, तुरंत स्तंभ गुण कम हो जाता है पेशेंट के ऊपर। सोनोग्राफी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस शुरू होते हुए दिखते, जैसे विद्याकर्म अंगुष्ठमूल करने के बाद मैंने बताया है कि यूरेटर की जो कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालसिस हमें दिखती है और स्टोन निकालने में अभी सबको रिजल्ट आते हैं अंगुष्ठमूल करने के बाद। तो यहाँ पे लैटरली करने के बाद और मिडिली करने के बाद, मिडिल वन थर्ड करने के बाद अगर रिजल्ट हमने कंपेरिजन किए तो लैटरल वन थर्ड के रिजल्ट और मिडिल वन थर्ड के रिजल्ट ये अलग अलग रहते हैं। जो स्पाजम जो रहता है, यूट्रस बहुत छोटा है,
और उसके आजू बाजू के जो मसल्स है, अगर वहां पे हमें स्टिफनेस रिजिडिटी दिखती थी सर, सिंपल आते थे ऐसा हाथ रखते थे पेशेंट के ऊपर और देखने के बाद नीडल देते थे और विद्ध करते थे। मैंने जितने विद्ध के वहां पे रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी सर बात करते समय लिखा था, तो लैटरल 1/3 पे था, मीडियल 1/3 पे भी एक बार मिला मुझे सर के इस पे पेपर के ऊपर, और इनका कंपैरिजन करने के बाद में मुझे ध्यान में क्या आया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सिर्फ ही ध्यान में कॉमन इन्फिलिटी के केसेस हमारे पास क्या आते हैं, आपने अभी तक संप्राप्ति देखी है सब देखा है, पेशेंट आता है पीसीओडी का, फाइब्रॉइड का, एपरेटस डिफेक्ट के, हार्मोनल डिस्टरबेंस के, साइकोलॉजिकल, जैसे अभी हमने देखा कि सोमनस्यम गर्भधारणा नाम मन की कंडीशन जब डिस्टर्ब रहती है ऐसे आते मेल पेशेंट में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या आते हैं, ऑल्कोस्पर्मिया क्या आते हैं, अजियोस्पर्मिया क्या आते हैं, टेस्टिकुलर पैथोलॉजी टेस्टिकुलर का कुछ प्रॉब्लम रहते हैं उसके आते हैं, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की कॉमनली ही पेशेंट हमारे आयुर्वेद डॉक्टर के पास आते हैं। सेप्टम वाला पेशेंट हमारे पास नहीं आता है, ट्यूबल रप्चर का है, या अगर उसकी ट्यूब दोनों रप्चर हो गए तो हमारे पास नहीं आता, आईवे वाला पेशेंट हमारे पास नहीं आता अगर एपरेटस डिफेक्ट में कुछ है तो ये एक एक हम लेते जाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट आते हैं। 100% मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुभूत नहीं है, प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं पीसीओडी के लेके आते हैं, कैसे पेशेंट का प्रेजेंटेशन रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, प्रेजेंटेशन क्या रहता है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अमेन्योरिया है। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या रहता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं आ रहे हैं। तीसरा प्रेजेंटेशन रहता है, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग कम हो रही है। चौथा प्रेजेंटेशन रहता है, कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में पीसीओडी है। पांचवा है, एक साल पीरियड नहीं है और दवाई के बगैर पीरियड ही नहीं आते। छठवा पेशेंट है, ऐसे पेशेंट आते हैं, ये पेशेंट के लक्षण हो गए, सब में मिलता है, पीसीओडी मिलता है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल मिलता है या ग्रॉस पीसीओडी मिलता है, मेनोरिया मिलता है, सारे मॉडर्न के हिर्सुटिज्म तक हमें लक्षण है। चिकित्सा करते समय आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अभी तक मैडम सर ने जो बताया है, सर ने जो बताया, संप्राप्ति निकल के हमें चिकित्सा की। विद्ध कर्म करते समय ऐसे पेशेंट की डिवाइडेशन रहनी चाहिए। पहला पेशेंट है, सिंपल है, पीसीओडी का पिक्चर सोनोग्राफी में है, बाकी किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट एक है पीसीओडी का, क्या है उसको, सोनोग्राफी में आया है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर ने बताया वो रिपोर्ट ही उसके दिमाग में रहता है और उसका ही स्ट्रेस रहता है कंटिन्यूस। सिंपल है, उसको जाना है उन्माद की विद्य की तरफ, उन्माद में उरोमध्य करते हैं हम, और अगर उसको पेशेंट बाकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन खाली पीसीओडी का रिपोर्ट लेके आए, उन्माद का उरोमध्य विद्य लेते, और अगर उसके पीरियड्स में ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो हम एंटीरियर सुपीरियर रिलैक्स पेन लैटरल 1/3 का लेते। ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं जिनको खाली सोनोग्राफी में कुछ मिला है, कुछ ओवर कॉन्शियस पेशेंट रहे थे, ऐसे पेशेंट को साइकोसोमेटिक विद प्लस हम लैटरल 1/3 का जो मैंने अभी बताया वो अगर हम विद कर्म करेंगे पेशेंट के, आपको अगर सोनोग्राफी में रिपोर्ट करेक्शन करना है तो ये करना, इससे बाकी कुछ बदलाव नहीं होने वाले, सिर्फ रिपोर्ट करेक्शन करने में फायदा होगा। जब भी आगे पेशेंट की पेन या पीरियड्स आ जाएंगे वहां पे ये विद्ध कर्म करने से काफी अच्छा रिलीफ आता है, और 20-25 विद्ध हो गए आपके अगर दो साइकिल में पीसीओडी का रिपोर्ट मिल होता है, मेरे पास 600 से भी ज्यादा उसकी रिपोर्ट है। ये है कुछ स्टूडेंट को मैंने टॉपिक भी दिया है एमडी के लिए, ये दो विद्ध कर्म करो और रिपोर्ट के चेंजेस आप प्रेजेंट करो हर जगह, और 100% ये चेंजेस आपको आते ही है, सिर्फ एक्यूरेसी से काम करना है। दूसरे पेशेंट हमें मिलते हैं जो हमें ज्यादा तकलीफ देते हैं, जिनको पीरियड आते ही नहीं, मॉडर्न की मेडिसिन लेना है, प्रोवाइडेड दैट इनको आप बाकी सारी चिकित्सा कर रहे हो, अगर उसको बस्ती लग रही है तो बस्ती कर रहे हो आप, उसको
व्यायाम करने के लिए कह रहे हो, आप उसको शमन चिकित्सा दे रहे हो। सारी चिकित्सा के बारे में मैं अधिकार नहीं हूँ उसका, मैं वो अभी बताने नहीं वाला हूँ। मैं सिर्फ ऐसे पेशेंट में बाकी चिकित्सा में ये बूस्ट देता है वो ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ। दूसरा पेशेंट हमारे पास आता है जिनके पीरियड जो है मेडिसिन के बगैर आते ही नहीं, मेडिसिन के बगैर आते ही नहीं। ऐसे पेशेंट के डिहाइड्रेशन संतर्पण और अपतर्पण जन्य अगर आप करोगे, जैसे क्षयज और रजसंग, तो ऐसे पेशेंट को रजसंग का विद्ध कर्म करते समय वैसे पेशेंट को मीडियल वन थर्ड करते, जो लैटरल वन थर्ड बताया था मैंने, तो वहां पे मीडियल वन थर्ड। तब जब मैंने ये कहा था यहाँ पे पकड़ रहे थे, तो अगर नीचे वाले फाइबर्स को, नीचे वाले हम कहेंगे कि पेल्विक फ्लोर के बेस वाले मसल के ऊपर स्टिफनेस ज्यादा है तो मीडियल वन थर्ड करना है। ऊपर के मसल जो है या लैटरल मसल के ऊपर हमें काम करना है, सिंपल इतना ही ध्यान में रखो। अगर पेशेंट को आप ऑस्कल्टेशन या हम हाथ लगा के देखते, स्पर्श चिकित्सा करके देखते तो सिंपल सिंपल समझ में आता है। ऐसे पेशेंट को मीडियल वन थर्ड करना है, इनको उन्माद का पॉइंट नहीं करना है, इनको सीधा जाना है नीचे, जो अंगुष्ठमल और क्षिप्र मैंने बताया था। सिर्फ ध्यान में रखो जो पेशेंट को मेडिसिन के बगैर पीरियड्स नहीं आते हैं, मीडियल वन थर्ड हम देते, उसके साथ में अंगुष्ठमल और क्षिप्र लेना ही पड़ता है। अब लेते समय ऐसे पेशेंट में विद्ध कर्म करते समय कौन सा पहले लेना है यही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को जो मैंने कंपोनेंट बताया था अपान का मींस पक्वाशय का जो कंपोनेंट है, वहां पे कुछ भी लक्षण मिलता है, क्या लक्षण रहेगा? यूटेरस योनिव्यापत के निगड़ित, योनिव्यापत के निगड़ित कुछ भी लक्षण मिलता है, योनिव्यापत के निगड़ित मैं बता रहा हूं। अगर स्तंभ है, पीरियड्स में हिस्ट्री में क्लॉट्स आ रहे, वात योनिव्यापत वाले लक्षण ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पे क्षिप्र अंगुष्ठ मींस क्या आता है, मीडियल वन थर्ड वाला पॉइंट क्षिप्र और अंगुष्ठ। कौन से पेशेंट में जिसको पीरियड्स नहीं आते हैं मेडिसिन के बगैर, और हम बाकी सारी चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर विद्ध कर्म करना है, तो पक्वाशय मींस वायु वात दृष्टि के लिए हम विद्ध करते समय यूटेरस का जो प्रेजेंटेशन है, मींस पेशेंट को पूछना है जब भी पीरियड आते हैं आपको, पीरियड आते समय वहां के लक्षण क्या है, स्पाज्मोडिक पेन है, बैक पेन बहुत ज्यादा है, क्लॉट्स जाते हैं, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, जैसे सर ने बताया था कि मैडम ने बताया था कि अलग अलग कलर बताए थे, उसमें ब्लैकनेस ज्यादा है, वायु के लक्षण ज्यादा दिख रहे, क्षिप्र पहले लेना है और अंगुष्ठ लेना है। ऐसा करोगे, ये सीक्वेंस रखोगे, मीडियल वन थर्ड क्षिप्र अंगुष्ठ करोगे, तो विद इन 4-5 विद्ध में आपके पेशेंट को आना ही आना है। क्लियर? जो पेशेंट को हार्मोनल टैबलेट के बजाय पीरियड आते ही नहीं, ऐसे पेशेंट को उसके साथ आप उपनाह देना है, वहां पे बसी चिकित्सा करनी है, अभ्यंतर आप जो लक्षण दिख रहे उसके हिसाब से सारी चिकित्सा आप कर रहे हो, उसको बूस्ट देने के लिए ये विद्ध कर्म बहुत अच्छी तरह से काम आता है। वज्रपुंग का सर का फेवरेट मेडिसिन था ऐसे पेशेंट। ये दो पेशेंट हमें ज्यादा तकलीफ देते। तीसरा पेशेंट ऐसे रहता है कि रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली रेगुलर, और पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है अलग तरह से रहती है। ऐसे समय में जब आपको पित्त योनि व्यापत, परिपृत योनि व्यापत, पित्त कफ योनि व्यापत, ये पित्त कफ द्रव उष्ण की संप्राप्ति जब जब हमें मिलती है, तब इसमें एक ही बदलाव रहेगा, पहले क्षिप्र अंगुष्ठ लेने के बजाय अंगुष्ठ क्षिप्र करना, ऊपर का कंपोनेंट सेम रखना है, क्या मीडियल वन थर्ड, सिंपल है। ये बहुत कठिन जाएगा समझने के लिए, सिर्फ हम लिखेंगे उसके हिसाब से करेंगे, तो आपको जब तक आप 10-12 पेशेंट के ऊपर करोगे नहीं, आपको इसका इजीनेस तब पता चलेगा। हमें रिपोर्ट का लेना देना नहीं, हमें पेशेंट को पीरियड्स लाने हैं, बाकी सारी चिकित्सा हम कर रहे हैं, प्रोवाइड दैट सब चिकित्सा हमें आती है, ऐसा समझ के। आपको कुमार यासव भी पता है, आपको रज प्रवर्तन भी पता है, आपको चतुर्बीज भी पता है, ये सब एक्सपेक्टेड है, उसके साथ ये करना। पेशेंट थी मेरी, पहली पेशेंट थी मेरी, मुझे बहुत बुखार था, मयूरी मानवकर नाम की मेरी नांदेड़ की स्टूडेंट ने, उसने उसकी हिस्ट्री ली थी, और हिस्ट्री लेने के बाद उसने इतनी सटीक से हिस्ट्री ली थी, उसको कहा था मैंने उसके ब्लीडिंग कैसी होती है वही तुम मेंशन कर, बाकी मैं देखता हूँ।
पेशेंट का हिस्ट्री थी, उसको 3 महीने से पीरियड 3-3 महीने को आते हैं, 4-5 IVF फेल्योर हो चुके थे, उसके बाद में उसको PCOD है, डिटेक्टेड है, हार्मोन लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं, और वो 12 साल उसको शादी को हो चुके थे। मेरी पहली पेशेंट 2016 तो चिकित्सा करने के बाद कुछ नहीं, पिंपल सा पान जो सर खायला देता, पिंपल का पत्ता गर्भाशय शोधन के लिए सर देते थे। उसके बाद में मैंने उठा वहाँ से, मैं बेड पे था, नीडल ली मैंने, उसको वहाँ पे सुलाया, सिंपल मीडियल वन तक अंगुष्ठ क्षिप्र जो पित्तज लक्षण वाली थी पेशेंट थी, चिड़चिड़ी थी, बहुत सारे हार्मोन लेके उसको पिंपल से भी बहुत ज़्यादा शरीर में चेंजेस आए थे, उसके बाल जा रहे थे, उसको योनि दाह बहुत हो रहा था, एब्डोमेन पेल बर्निंग हो रही थी, सिंपल पित्त कफज कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, अंगुष्ठ क्षिप्र और मीडियल वन तक ये विद्धकर्म किया, सिंपल पाचन की दवाई देके मैंने भेज दिया, और उसके 3 महीने में उसका रिजल्ट, पहला बेबी जो नीचे है उसका समर था, जो उसको प्रेगनेंसी रहने के बाद इतना विश्वास बढ़ा था, उसको पूरी तरह से हमने सारी क्रिया की थी, जो पुत्रेष्टि यज्ञ रहता है 5वें महीने में हमारे इसमें आया है चरक संहिता में, वो किया था, वहाँ पे मैंने 12 कपल बिठाए थे, और 12 के 12 कपल को बेबी होने के बाद ये सिर्फ बाद में दूसरा बेबी भी हो गया, जो एक बेबी के लिए आए थे वो 2 बेबी भी हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस है, ये मेरी पहली केस। दूसरे मिलते हैं हमें फाइब्रॉइड्स, आपके बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, आप बाद में पूछ सकते हो। हमें फाइब्रॉइड्स के पेशेंट मिलते हैं सातारा के, हमारे सर हैं उनके गाड़गे सर जब बेंगलोर पहले काम चला होता, फाइब्रॉइड के पेशेंट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार से, जैसे सर अभ्रक वैक्रांत यूज करते हैं, शीघ्र टॉक यूज करते हैं, अलग अलग सारे भी ये है, लेकिन फाइब्रॉइड के पेशेंट के ऊपर विद्धकर्मा का कोई फाइब्रॉइड पे चेंजेस नहीं आता, विद्ध से फाइब्रॉइड का कुछ लेना देना नहीं, फाइब्रॉइड में बदलाव आते ही नहीं। तो फाइब्रॉइड के लिए कोई विद्धकर्मा है ऐसा कोई कहेगा तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा मत सोचो, फाइब्रॉइड के पेशेंट को क्या लक्षण है उसके हिसाब से अगर हम विद्धकर्मा करेंगे तो रिजल्ट आते। तो फाइब्रॉइड के पेशेंट को लक्षण क्या रहते हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, डिस्मोनेरिया है, लैटरल वन थर्ड लेना है, सिंपल है। डिस्मोनेरिया में पेशेंट को बार बार यूरिन को जाने के बाद ब्लीडिंग होती है, जब उसको अंगुष्ठमूल और लैटरल वन थर्ड लेना है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है और ब्लैकिश क्लॉट्स जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे समय में लैटरल वन थर्ड और क्षिप्र लेना, पहले ऊपर का लेना नीचे लेना, सिंपल है। फाइब्रॉइड कभी कम होगा नहीं, फाइब्रॉइड का लेना देना कुछ नहीं है, आपको चिकित्सा करनी है, बाकी शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, सारी चिकित्सा इसमें करनी है। विद्धकर्मा का इसमें रोल यही है, पेन मैनेजमेंट और यूटेरस का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जो होना है उसका फायदा वहां पे होगा। एपरेटस डिफेक्ट, बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं एपरेटस डिफेक्ट के, कौन कौन से रहते हैं, ट्यूबल ब्लॉक रहता है, एपरेटस सेप्टम रहता है वहां पे, स्मॉल यूटरस रहता है, पी शेप यूटरस रहता है, हाइपोप्लास्टिक यूटरस रहता है, बहुत सारे एपरेटस डिफेक्ट मिलते हैं, सेप्टम सर्जरी ही करनी पड़ेगी, उसका कोई रोल नहीं, अग्निकर्मा को ही रोल नहीं। वहां पे ट्यूबल ब्लॉक है, बहुत ज्यादा वृद्ध का फायदा होगा आपको, मैं बताऊं, पेशेंट को पी शेप एकदम छोटा सा है, कभी पीरियड्स आए ही नहीं पेशेंट को, 20-25 साल हो गए, इसमें भी विद्धकर्मा का फायदा ज्यादा है। मीन जहाँ पे एलोपैथी कहती है इम्पॉसिबल, वहाँ पे विद्धकर्मा का फायदा ज्यादा है। सेप्टम है, लेना देना नहीं है, सीधा ऑपरेट को भेज देना है। बायकॉर्नियल यूटेरस है, लेना देना नहीं है, ऑपरेशन को भेज देना। पेशेंट को एपरेटस ठीक है लेकिन वहां पे पैथोलॉजी अगर बहुत खराब होते जा रही है, या वहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं है, या कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, विद्धकर्मा का उपयोग बहुत ज़्यादा फायदे से हो। अब एक पेशेंट लेंगे, पेशेंट को ऐसे पेशेंट बहुत कम जनरल आयुर्वेदिक वैद्य के पास आता है, जिनको पीरियड्स ही नहीं है, कभी पीरियड्स ही देखी नहीं है, सोनोग्राफी की है, हाइपोप्लास्टिक यूटेरस, छोटा यूटेरस,
टी शेप्ड यूटेरस, एब्सेंस ऑफ यूटेरस, पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। पेशेंट आते हैं सिंपल लैटरल वन थर्ड, मिडियल वन थर्ड, दोनों अंगुष्ठक क्षिप्र, लैटरल वन थर्ड, मिडियल वन थर्ड, अंगुष्ठक क्षिप्र, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल करते जाना है। पेशेंट बहुत कम आएंगे मेरे आपके पास, मेरे पास 16 से 17 पेशेंट है जिनको जिंदगी भर पीरियड्स नहीं थे, अभी एक एक दो दो बच्चे तक ऐसे पेशेंट आएंगे काउंसलिंग करे हुए, तो लाइफ बच जाएगी उसकी, शादी हो जाएगी, लाइफ बच जाएगी। ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, और जमदग्नि सर से भी इसका डिस्कशन हमने किया था कि ऐसे कैसे होता है, तो उसके साथ बहुत सारे उसके पैथोलॉजीज हैं, और सर ने भी कहा था कि सर ने प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे, फलकूत से भी हाइपोप्लास्टिक यूटरस वाले पेशेंट बढ़ते हुए देखे, तो इसका भी रोल उसमें हो सकता है ऐसा सर का कहना था। लेकिन एपिटल डिफेक्ट ये क्लियर होता है, भले उसको 2.5 साल लगे, 3 साल लगे, जो भी गांव में रहती है वहां का विद्यार्थी पकड़ के मैं भेजता हूँ, युद्ध कर्म होते रहता है, जीवन कर्म होते रहता है, गर्भाशय बढ़ता है 100% बढ़ता है। सोनोग्राफी के साथ हम वहां पे पेशेंट को एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन इसके पेशेंट ज्यादा नहीं, 16 ही अभी तक हुए हैं। जब भी आपको पेशेंट मिलेंगे ये 4 युद्ध कर्म फ्री जिंदगी भर करो, उसकी लाइफ बच जाएगी, उसको एक बार पीरियड आ जाएंगे तो पूरी दुनिया आजू बाजू हिल जाएगी उसकी, इतना उसको आनंद होगा, ये ध्यान में रखो। एपरेटस डिफेक्ट में सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देता है ट्यूबल लोक, पेशेंट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है एच एच जी करते समय, जैसे सुबह सर बता रहे थे एच एच जी करते समय अगर किसी ने एच एच जी देखी होगी या पेशेंट को एक्सप्रेस पूछा होगा तो इतना दर्द होता है पेशेंट को। कभी कभी ऐसा होता है कि एच एच जी के जो रॉड है उसके प्रेशर से ही ट्यूब ब्लॉक रहती है उसी समय, और अपने आप बाद में प्रेगनेंसी रह जाती है, ऐसे पेशेंट रहते हैं। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स रहता है किसी को अंदर के सीलिया है वो डैमेज हो चुके हैं, ऐसा रहता है। तो ऐसे पेशेंट में आप सारी उत्तर बस्ती है, बाकी सारी चिकित्सा जीवनीय कर्म है, यूट्रस के यहाँ पे ओटीपोटा मैंने ऊपर से लेप देना है, बहुत सारे चिकित्सा, बहुत सारे वैद्य आपको बताएंगे, अनुभव बताएंगे। लेकिन जब विद्ध कर्म का पेशेंट, विद्ध कर्म आपको करना है, इसमें नस्य का रोल ज्यादा है ऐसा लोग बताते हैं, तो हम क्या करते हैं सिंपल अंग विपर्यास जैसे कहा गया है वैसे नासा विद्ध करते, उपनासिका विद लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में, और अंगुष्ठक ये 2 विद कर्म करते हैं। और पेशेंट के सिम्टम अगर साथ में रजस अंग के रहेंगे तो रजस अंग वाला लैटरल वन थर्ड वाला विद साथ में रहते हैं, बाकी सारी चिकित्सा आपको करनी है, उत्तर बस्ती करनी है आपको, जैसे शुक्रवाहिनी अवरोध होता है तो विरेचन आया है, निरुह बस्ती आई है वहाँ पे, सारी चिकित्सा करनी है। लेकिन ये 4 विद्ध कर्म आप ऐड करोगे तो आपका पेशेंट जो अटके है उनकी रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिल जाएंगे, ये ध्यान में रखो। यहाँ पे पेशेंट है, मैं कल नागन में उनको फोन किया था, सर मुझे आपका फोटो चाहिए। क्यों सर? मैंने कहा मेरा ऐसा ऐसा मुझे लेक्चर देना है, तो आपकी परमिशन है, रिटर्न परमिशन दोगे आप तो मैं आपका फोटो रखूंगा। सर नहीं है तो पूरा लगे उन्हें तो क्या था केस ऐसी थी, यूटेरस जो है एपरेटस डिफेक्ट, बायलैटरल जो फैलोपियंस थे वो दोनों ब्लॉक थी, 1 फैलोपियन ट्यूब नेक्रोस्ट थी, मैंने पूरे रिपोर्ट्स भी निकाल के रखे हैं उसके, नेक्रोस थी, और पीरियड्स जो है 4-5 मंथ्स को आते थे, सारी चिकित्साएं हो चुकी थी, उनका 52 एज था, अभी है 50 के ऊपर एज है, और उनकी मिसेस का जो है वो कंटिन्यूसली सारी चिकित्सा हैदराबाद में, तो इतना रहता है, सारी चिकित्सा हो चुकी थी, सिंपल आए मेरे पास। एक अच्छी बात थी गुप्ते सर थे, गुप्ते सर से मैंने पूछा सर ऐसे ऐसी केस है, तुला जे दिसते ते उड़क कर, ये कस बात, तुला जे दिसते ते उड़क कर, मला काय दिसलं, मैंने पूछा उसको क्या होता है, सर पीरियड्स नहीं आते, जब भी आते बहुत दर्द होता है, सिंपल बस्ती लाइए, मात्रा बस्ती देने को कहा उसको, और कंटिन्यूसली रजस अंग का एक ही विद्ध किया,
जो लैटरल वन थर्ड मैं लास्ट में लैटरल वन थर्ड मिडिल वन थर्ड अंगूठा क्षिप्र इनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत ज्यादा महान हूँ, कुछ नहीं, मैं 600 पेशेंट के रिजल्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने इतने कम एज में रिजल्ट दिए। आप करो अभी तक जैसे अंगूठा मूल का आप रिजल्ट बता रहे थे या भ्रू मध्य अपांग का जैसे पिछले साल मैंने बताया था, ये विद्या करो आप पिछले अगले साल तक कम से कम इन्फर्टिलिटी के आपके सारे पेशेंट क्लियर होते जाएंगे। अब ये पेशेंट को इतना सिंपल किया ऐसा लगेगा कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे ही फायदा ज्यादा से ज्यादा हुआ है आपके सामने वो बच्चा है। नॉर्मल डिलीवरी तक इजीली मैंने बाद में उसकी सोनोग्राफी भी नहीं की कि उसका जो नेक्रोस यूटेरस था उसका क्या हुआ। सरान से एक बार तुला जे दिसते थे मैं पुराना थे बच्चों को भी वही बोलता हूँ, आप इसको पीसीओडी है, इसको फाइब्रॉइड है, इसको ये है, उसको ये है, उसके एएमएच कम है, ये प्लीज उसके पीछे मत पड़ो। ये भी ये जो पीछे थी ना इसका एएमएच 0.01, आईवीएफ 4-5 फेल्यूअर, तेव्हा एएमएच म्हणजे काहीच माहित नव्हतं, म्हणजे अजूनही मला कळत नाही, अभी भी पता नहीं चलता है कि एएमएच के पीछे इतनी दुनिया क्यों जाती। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनका एक के नीचे एएमएच है, नेचुरली उनको पहला कंसीव हो चुका है, दूसरे के लिए है सिंपल चिकित्सा हो गई और फिर कंसीव हो, और जिनका 5 एएमएच है 6 साल से बच्चे ही नहीं हो रहे, ओवुलेशन ही नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो देखना है उसके पीछे जाना है। ऐसे बहुत सारे केसेस अब वही टॉपिक में बताऊंगा हार्मोनल। अब हमारे एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब वाले पेशेंट ज्यादा मिलते हैं, कौन सी, पिट्यूटरी थायराइड ओवेरियन एक्सिस, एलएच एफएसएच प्रोलैक्टिन, सिंपल पीरियड नहीं है, वजन वाढ़ते हैं, थायराइड निकालेला है, थायराइड का हार्मोन की मेडिसिन चालू है थायराइड का थायरॉक्सिन ले रही है, बाद में समझ में आया एएमएच भी कम। जब जब एएमएच कम आता है ऐसे पेशेंट अगर देखेंगे तो वो बहुत सारी चिकित्सा करके आए हुए हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेके आए हुए ऐसे दिखते हैं, सिंपल है। पिछले साल जो मैंने मानस विकार का मैंने बच्चों के ऊपर बताया था वो भी बड़े के ऊपर करना, जैसे सर ने बताया था निसार सर ने कि पूरी तरह से सौमनस्य गर्भधारणा के ऊपर काम होता, अभी आज पहला लेक्चर सर ने वही बताया था। सिंपल है, ऐसे पेशेंट पे भ्रूमध्य अपांग शंख उरोमध्य संपलक मी कुठे जातच नहीं है, सारी बाकीची जी आपल्याला चिकित्सा आती है जो हम कॉलेज में सीखे है या कोई वैद्य के पास सीखे है वही चिकित्सा एएमएच वाले पेशेंट में जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, हार्मोन वाले सारे पेशेंट में भ्रू मध्य अपांग शंख सिंपल, और ज्यादा से ज्यादा अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है पीरियड सारे ऐसे समय में सोच रहे हैं ज्यादा तो उरो मध्य ऐड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी जो जो हमें अभी तक का नॉलेज है जब जितना जितना अभी तक हमने सीखा है वही फॉलो करना है, आपको इसमें 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया लॉकडाउन फोन आला लेकर होईना चाले पहिला झालेलं दुसरं होईना चाले दुसरा नाही हो रहा क्या कर, बहुत स्ट्रेस, जैसे मैडम बता रहे थे ना स्ट्रेस के बारे में, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस, सोनोग्राफी करो ऐसा कहा तो स्ट्रेस, सर 30,000 वाला सोनोग्राफी है सिंपल है, इतना स्ट्रेस, मैंने कहा कुछ मत कर, एक नंबर देता हूँ सऊदी अरेबिया में हमारी स्टूडेंट है उसके पास जाके 6-7 दिन विद्य कर्म कर, साइकोसोमेटिक विद्य भ्रूमध्य अपांग शंख सिंपल है, न्यू एड्रेस वाला कार्टून डाले थे भरम सात चॉकलेट डाले थे घूम कर, सिंपल है, काहीही करायची गरज नाही, सारी ट्रीटमेंट फेल्युअर होने के बाद सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, जैसे सर ने अभी इतना बताया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। शंख, अगर किसी को शंख के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे मैंने डाला है
इतना जबरदस्त काम करता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ के लिए। 80% पेशेंट हमारे आजू बाजू में इन्फर्टिलिटी वाले पेशेंट को भ्रूमध्य शंख लेना ही, और 80% डॉक्टरों को शंख मर्म का पता नहीं, और शंख केशांत विद्ध करना है ये भी पता नहीं। तो प्लीज वो देखो, मैंने पूरा एग्जैक्टली डाला है, आगे भी डालने वाला हूँ जो ग्रंथ में आया है। जैसे लिखित ने बताते समय बताया वो उन्माद के पेशेंट के ऊपर, शंख केशांत संधि के ऊपर आया है, और हनुसंधि मध्य गतम ऐसा आया है। जो शब्द आए हैं ग्रंथ में वो सिर्फ ध्यान में रखो, हनुसंधि मध्य गतम अपस्मार के पेशेंट। मेरे पास अपस्मार के पेशेंट की डिलीवरी करना कितना इम्पॉसिबल, अपस्मार की दवाई ले रहे हैं और उसको कंस्यूम करना है, दवाई बंद करोगे तो अपस्मार आ जाएगा। ऐसा होता है, फिट्स आते हैं, तुम एलोपैथिक बोल डॉक्टर बोलते मत करो ये, तू मत ले, मेरे पास पेशेंट है, आ गए, सिर्फ उसको सिखा दिया है बाजू के डॉक्टर के पास जाके, शंकर केशांत 9 महीने के लिए डिलीवरी झाली, 7 दिवसों में फिट्स आले, पण पोटात लेकरू असताना फिट्स नाही। सिंपल, इतने सारे पेशेंट में फायदा होता है। ये जो हमें ग्रंथ में दिया है उसके हिसाब से वहां पे तिला जळू देखील लावला होता शंकर केशांत, कारण पित्तचे लक्षण जास्त होते, त्याच्यामुळे जो रक्तमोक्षण करना है रक्तमोक्षण की जगह दी है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। ये सोमनस गर्भधार नाम स्ट्रेस फैक्टर इतना था। अब इसमें स्त्री प्रति इच्छा, स्त्री को पुरुष प्रति इच्छा, सारे सारे जब आप हमने अभी आज दिन भर देखे सारे पेशेंट हमें मिलते हैं। 2-3 एग्जांपल देता हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। कलेक्टर ठाण्याचे आणि नाशिकचे नवरा बायको आले माझ्याकडे, जसे मॅडमने बताया आता की मार्च मध्ये आम्हाला बाळ ठेवायचे, तसं वैसे आए थे, ओव्हरसीज स्टडी नाशिक को करते थे, लोनावळा में आते थे, दो दिन रुकते थे, ओव्हरसीज स्टडी ओव्हरसीज हो गया कॉन्टॅक्ट रखे वापस जाते थे। कसं राहील बाळ? मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आपको चिकित्सा करना, सर कलेक्टर है हमें तो करना पड़ेगा। 2 वर्षानंतर आले, काय झालं सर? बाळ नाही राहिले। माझा ऐकाल का? तर सोचे बताओ तो सर। मैंने कहा मुझे टाइम देना है सर, हमने 2 महीने छुट्टी ली, 2 महीने काही दिल नाही औषध आप अपने खुला। कोरोना किती लोकांना? सिंपल सायकोलॉजिकल स्ट्रेस मॅनेजमेंट विद कर्मना गुरुमध्य, जैसे बीपी को हम कहते समय क्षिप्र और भ्रूमध्य करते बीपी मैनेजमेंट हो जाता है, जिनका वातज लक्षण जाता रहते हैं, वैसे ही ये पेशेंट के लिए 4 क्षिप्र, क्योंकि बहुत भागदौड़ रहती है, जैसे मैंने क्षिप्र बताया था, और भ्रूमध्य करेंगे। सिंपल यही विद्ध करता हूँ मैं, बिठाता हूँ, मुंबई से आता है पेशेंट, विद्ध कर्म करता हूँ, भेज देता हूँ, उसको लगता है 3 सेकंड के लिए मैं क्यों आया हूँ, ऐसा कहता है ठीक है डॉक्टर का नाम है आता हूँ। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मेरे यहाँ इतना इजीली मैनेजमेंट हो जाता है, उसको मेरे पास आने के लिए 6 घंटा लगता है नंबर, बाहर ही बैठे हुए रहते हैं, और बाहरी पेशेंट एक दूसरे को बात करके हाँ डॉक्टर चांगला है बाबा वेळ लागते पण चांगला है आए है। सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट विद्ध कर्म से इतनी अच्छी तरह से हो जाता है। भ्रूमध्य शंख उरुमध्य 4 क्षिप्र इनका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, सिर्फ एक्यूरेसी से करना है। आपको वो पेशेंट देखने की जरूरत नहीं, पेशेंट आया था मुंबई से, सॉरी ये मैं पेशेंट बताता हूँ जो अभी है यहाँ पे, आप मेल का चेहरा भी देख सकते हो, साइकोलॉजिकल मेडिसिन चालू है ऐसा लगता है, फीमेल का भी आपका पूरी फैमिली परेशान थी। क्या हुआ था, मेरे पास पेशेंट आया था, 12 साल से शादी हो चुकी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने सब दिया, वो सोनोग्राफी करते समय हम भेजते हैं ना रूटीन चेकअप के लिए, ओव्यूलेशन स्टडी के लिए, पेशेंट गया सोनोलॉजिस्ट के पास, नांदेड़ की सोनोग्राफी मैडम है, नीलकंठ मैडम है नांदेड़ का, इतने प्योर है, वहाँ से फ़ोन करते हैं, वहाँ से वीडियो कॉल करते, सर सोनोग्राफी में ये दिख रहा है आप देख लो, मैं कहता हूँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर तुम आपकी पेशेंट आती है संजीवनी नाम की, उसने मुझे सोनोग्राफी करते समय बताया उसको पुरुष प्रति इच्छा ही नहीं है। तो मैंने कहा उसको बुलाया, देर रात को बुलाया दोनों को, और पूछा ये आदमी आता है करके जब सो जाता है, मैं मेरी सो जाती हूँ,
क्यों सर? स्पर्श की इच्छा ही नहीं है, इच्छा होती ही नहीं। तो हिस्ट्री निकाली तो उसको एब्यूज था पहले, उसके घर में बहुत सारे कांड हो चुके थे, उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर आया था, चाइल्डहुड का रेप भी हो चुका था, बहुत सारे सारे उसके हिस्ट्री मिल रही थी। सिंपल है, काउंसलिंग फैक्टर तो मैडम ने करवा लिया था, भ्रूमध्य अपांग शंख कंटिन्यूसली कुरिया त्यावत अतंद्री था, छोड़ना नहीं, कंटिन्यूसली काउंसलिंग, बोलना, बातें करना, पेशेंट के रिजल्ट आते। मेरे पास पेशेंट आया था मुंबई से, 7 साल साथ में रहे थे, 2 साल छोड़ दिया था बीबी ने, फिर से साथ में आए थे, अब कहा था कि बच्चे नहीं हो रहे। मैंने पूछा क्या अभी तक कांटेक्ट ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं अभी तक, तो सब स्टूडेंट को बाहर करके हम बात करते। उन्होंने कहा कि मुझे स्त्री प्रति इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा कब होती है सर? मैं जब डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, जब एनिमल्स देखता हूँ, तब होती है विकृत, जब सर ने बताया था, अभी दोपहर को बताया था कि मकर ध्वज देने के बाद भी वो पेशेंट को विकृत अवस्था आती है, विकृत मन निर्माण होता है, विकृत अवस्था आती थी। वो कहता था कि एनिमल जब तक देखता ना मुझे इरेक्शन नहीं होता। ऐसे पेशेंट को सिंपल कुछ नहीं, जैसे सर ने बताया हम सारी चिकित्साएं कर सकते साथ में करते समय उन्माद की विद्या करना, पहले पकड़ना उन्माद की विद्या करना, इतने सटीक से उन्माद का विद्या करना हमें रिजल्ट देता है, पेशेंट के मानसिक विकृति के विकार निकल जाती है। इतने सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अलग अलग स्टोरियां बता सकता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें जाऊंगा नहीं। जो कॉमन इन्फ्लुएंटिंग फैक्टर रहते हैं, जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी की मैं हमेशा केस बताता हूँ। पेशेंट आया था पंचकर्म के लिए, मैंने पेशेंट की जिह्वा देखी थी, जिह्वा साम थी, 2 साल से क्या क्या खा रही थी पता नहीं थी, मोटी हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है बाद में देखेंगे, पहले जिह्वा साम निराम करेंगे। 3 दिन में निराम हो गई, 1 महीने में 12 kg वेट लॉस हो गया, दूसरे महीने में अपने आप प्रेगनेंसी रह चुकी। व्याधि संकर हमें मिलता है, हम नासा का विद्या कर्म, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जमदग्नि सर के पास था, उनके यहाँ पे एक केस अमृता सर के लेके गया था, पूरे शरीर में स्वित्र था। किसी ने अभी तक देखा नहीं होगा कि पूरे शरीर का स्वित्र कम हो जाता है, वो भी 2 महीने में। मैंने केस देखी थी सर के यहाँ, तो सर ने चेक किया, मैंने खुद हिस्ट्री ली थी पेशेंट की, सर ने दिया था वो निम्ब त्रिपुरा अमृता रजनी पथ्यदि काढ़ा दिया था। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है पहले पाचन जी होगा, सर ने 2 महीने में पथ्यदि काढ़ा से उसका पूरा स्वित्र चले गया। सर से पूछा हम लेक्चर में, सर ऐसे कैसे हो गया? सर ने कहा कि वो चित्र का पेशेंट कहाँ था, वो प्रतिशय का पेशेंट था, जीर्ण प्रतिशय का, जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा की हमने, आपको दिख रहा था चित्र लेकिन वो जीर्ण प्रतिशय का पेशेंट। तब से पेशेंट आए, उपनासिका करते हैं, उपनासिका कर लिए, पेशेंट के चित्र भी कम होते हैं, इन्फिलिटी भी कम होती है। तो ये व्याधि संकर हमें मिलता है। अगर DNS है किसी पेशेंट को और PCOD के लक्षण आ रहे हैं तो PCOD के पास जाओ ही मत, वो DNS साथ में करो, उसके विद्य करो, उसकी चिकित्सा करो, अपने आप निकल जाता है। तो ये व्याधि संकर जो रहता है वो हमें ढूंढ, जैसे मैडम ने बताया कि हिस्ट्री हम जो अच्छी तरह से लेते हैं वो हिस्ट्री को पकड़ के संप्राप्ति भंग करने के पीछे जब काम होता है। जैसे अर्ष मैडम को हम बात करें कि अर्ष है तो बुद्ध मर्म है, वहां पे आघात हो गया, अरिवत प्राणाहंति अर्ष आया है, और ऐसे पेशेंट को आप इन्फिनिटी की चिकित्सा करें, अरे अर्ष की करो, अर्ष करो, ये कवर हो जाता है। अर्षक यहाँ पे आपने देखा होगा, वहां पे भी विद्या आया है, वाताज रक्तज अर्षक आया है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा हमें साइकोलॉजिकली टेंशन देता है ओवुलेशन, पेशेंट ही करवा के आता है रिपोर्ट और ओवुलेशन होता ही नहीं पेशेंट। हम पुष्प धनवाद देते हैं, व्यायाम सा बोलते हैं, तो फर्टिल 50 देते हैं या हार्मोन देते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन प्रॉपर होता ही नहीं। सिंपल, सारी चिकित्सा करो साथ में, ये करो, ओवरी को कौन से वेंस सप्लाई करते पता है? उसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो ढूंढना है। सिंपल, जल एनाटॉमी जाओ दो बाजू में, L 2 3 4 5, ये चार ही यहाँ पे हमें अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म धूपन का अग्निकर्म, कफ वातज जो है वहां पे धूपन आया है, तो वहां पे सीधा सीधा कागज पे हम क्या करते हैं, कफवातग्न द्रव्य जो अपान के ऊपर कटी के ऊपर ज्यादा से काम आता है, हम देवदार का चूर्ण लेते हैं।
सिंपल चूर्ण लेके उसको साइड से गर्म करते हैं। जिनका कुछ भी करो प्रैक्टिकली ओव्यूलेशन नहीं मिल रहा है, दो अग्नि कर्म से ओव्यूलेशन मिलता है। कफवाचस संप्राप्ति सिंपल उसमें रखा है और पीछे से हम अग्नि से जलाते हैं, वो जलता है, वहां से धुआं निकलता है, उसका अग्नि कर्म होता है। कफवाचस संप्राप्ति में काफी अच्छी तरह से काम में होता है। अगर वात पित्त संप्राप्ति है सिंपल सुवर्ण शलाका का अग्नि कर्म, और आजकल वात पित्त के ही पेशेंट ज्यादा मिलते हैं, तो सुवर्ण शलाका का अग्नि कर्म से सिर्फ सामता रहेगी तो आप वृक्ष अग्नि कर्म करना। वृक्ष अग्नि कर्म में आप स्पिरिट लैंप से कर सकते हो, इलेक्ट्रिक कॉटरी सुवर्ण शलाका के पीछे ऐड करके कर सकते हो। सामता नहीं है, सिंपल है, ये अग्नि कर्म करो आप। मेरे पास इतने सारे रिपोर्ट है, अग्नि कर्म किया उसी दिन का ओव्यूलेशन होगा, सिंपल है। बाकी सारी चिकित्सा करनी ये हमारे चिकित्सा में ऐड करो। जो पेशेंट का कुछ भी करो, एमएसएफ आते हैं, सिर्फ एक्यूरेसी से करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहला सचिन तेंदुलकर जो हमारे आज थे, दीक्षित सर ने आज हमें इम्यूनिटी के ऊपर ही बताया सब, आज मेल इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन होता ही नहीं है, वो परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है। टाइम आ गया है और परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, डॉक्टर ने डेट दी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता ही नहीं, ऑलिगोस्पर्मिया मिलता है, एजोस्पर्मिया मिलता है, टेस्टिकुलर पैथोलॉजी मिलती है, साइकोलॉजी ज्यादा होती है, युद्ध कर्म, ये सारे इसमें आपका एक एक साल बचाता है। पेशेंट वेरिकोसिल के ज्यादा मिलते हैं, ये टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिस जो है छोटे है, वहां पे लैटरली पार्श्वतः आया है, वहां पे पार्श्वतः वेदन कर्म करना है, अर्धवृही डालना है, टेस्टिस को डैमेज नहीं करना है। आपने पोजीशन एग्जैक्टली देखिएगा, परफेक्ट पोजीशन है, पेनिस लैटरल साइड को दूसरे साइड को लेना है, टेस्टिस का जो स्क्रॉटल जो ये है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, और ईडी में जो आया है सेवनी के ऊपर रक्तमोक्षण वेदन करना, सिंपल है, सेवनी के ऊपर अगर इरेक्टेड पेनिस है, इरेक्टेड है पर होता ही नहीं है इन लोगों का ईडी के वजह से, तो वहां से दो उंगली ऊपर बेस से एग्जैक्टली लेके, बेस के ऊपर एग्जैक्टली, बेस के ऊपर दो उंगली वेदन करो और ऊपर दो उंगली। पहला जो है कॉर्पस पॉन्जियोसम, तो पहले जो मसल के लेयर तक लेना है, ऊपर का जस्ट 1/4 वृही करना है, पेशेंट को इरेक्शन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, और बाकी जो टेस्टिकुलर पैथोलॉजी है उसके लिए हम यहाँ पे अग्नि कर्म करते हैं। ईडी वाले पेशेंट गृहिणी के रहते हैं, मन अशांत वाले पेशेंट रहते हैं, सारी चिकित्सा करनी है। अगर पेशेंट बहुत सारा हमें, मैं पेशेंट को उसी दिन जब कांटेक्ट रखने के डेट देते हैं उसी दिन बुलाता हूँ। जो पेशेंट इंजीनियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर्स रहते हैं, जिनको कंटिन्यूसली स्टैंडिंग वर्क रहता है, या कंटिन्यूसली चेयर पे पैर उनके घूमते रहते हैं, या बैठना पड़ता है, उनको रोज मैं कॉन्टैक्ट के दिन बुलाता हूँ, वहाँ पे क्षिप्र के ऊपर का दो अंगुली वात रक्त वाला वेदन कर्म करता हूँ। और जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, इनके लिए ईडी वाले जो हम ऊपर पेनिस वाला युद्ध कर्म करता हूँ। जिनको टेस्टिकुलर पैथोलॉजी है, जैसे कि वेरिकोसिल है, वेरिकोसिल में इतना जल्दी फायदा हो जाता है, एक ही महीने में पेशेंट के काउंट बढ़ जाते हैं। ऑलिगोस्पर्मिया जो वेरिकोसिल की वजह से आया है उनमें फायदा होता है। पित्तज प्रकृति के, पित्तज ग्रहणी के पेशेंट में भी यही वित्त से ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। अगर वहां पे मूत्र प्रवृत्ति के साथ वीर्य ज्यादा बाहर आता है, तो इसके साथ हम अंगुष्ठ मुद्वेदन कर्म करते हैं,
वातज कंपोनेंट जो हमारा पक्वाशय का है, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता है, कॉन्टेक्ट करने के बाद स्पेशली जहाँ आधमान होता है ऐसे पेशेंट में क्षिप्र का वेदन कर्म करके हम ये ईडी वाले वेदन कर्म करते हैं, इसमें फायदा होता है। टेस्टिकुलर पैथक सब पैथोलॉजी में टेस्टिस के विद्य कर्म करते हैं, बाकी सारी चिकित्सा आप कर सकते हो। यापन बस्ती है, जैसे सुबह से हमने सर ने बताया, वो पार्ट में बताने नहीं वाला हूँ, तो ये काम में आता है। ऑलिगोस्पर्मिया मेडिसिन से तो इजीली कवर हो जाता है, लेकिन ना मेडिसिन दे बगैर देहू में हम पेशेंट के ऊपर रिजल्ट देखते हैं कि सिंपल है। टेस्टिकुलर विद्य कर्म सिर्फ टेस्टिस वाला, ईडी वाला नहीं, टेस्टिस वाला विद्य कर्म। और जो वातज कंपोनेंट है, अगर आधमान ज्यादा हो रहा है तो क्षिप्र, आधमान नहीं हो रहा है मूत्र प्रवृत्ति के साथ में अगर शुक्र आ रहा है तो अंगुष्ठ, ये दोनों साथ में देना है, क्यों साथ में होता है। जैसे सूतशेखर आया है, सूतशेखर क्या है, सामता में शुक्र सूतशेखर हम इस्तेमाल करते हैं, पकवा आमाशय में अगर सामता है, पित्त की सामता है, लेकिन शुक्र में पूरे शुक्र आया है, वही सूतशेखर हम प्याज के साथ देते हैं, तो वो क्या करता है, पायो स्पर्मिया जो है, स्पर्म में जो पसेल्स आते हैं वो कम करता है। कैसे कम करता है, वो गामित्व हमने दिया प्याज का रस, कांदा रस जो है गामित्व दिया और वहाँ पे काम करता है। वैसे ही सिर्फ गामित्व विद्य कर्म का बदलने के लिए ये अंगुष्ठ ऐड करना, क्षिप्र ऐड करना, भ्रूमध्य ऐड करना, उरुमध्य ऐड करना, ये पेशेंट वाइज डिफरेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट आते हैं। टेस्टिकुलर पैथोलॉजी के पेशेंट थे सरदार जी, थे कल ठीक थे, कल भी आए थे नांदेड़ में, तो ये उनको 5-6 साल हुए थे शादी के लिए, हो नहीं रहे थे, एजोस्पर्मिया की केस थी। सिंपल है टेस्टिकुलर विद्य कर्म, सतीश आलने वाटते उसने ही किया था, उत्तर बस्ती सिंपल की थी, और उसके बाद में सारे जो मेरे इन्फर्टिलिटी के पेशेंट है उनको दो बच्चे हैं, सारे इतने इजीली हो जाते हैं। हम उनको इन्फर्टिलिटी का पकड़ना ही नहीं है, ये मुझे कहना है, साइकोलॉजिकली जो मेल में थी वही फीमेल में रहती है, सिर्फ मेल में साइकोलॉजी डिस्टर्ब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी गृहणी ऐसे सारे हमें पेशेंट मिलते हैं, तो ये सारे पेशेंट में हमें विद्य कर्म का रोल अलग अलग तरीके से लाना है। तो सिर्फ एक विचार करते समय, जैसे उत्तर बस्ती है, मैं हमेशा बताता हूँ, अभी बताते समय मैं ये भी बताया था कि पक्वाशय में अगर डिओडिनम में हमें विकार में बस्ती देना है तो हम कैथेटर डिओडिनम तक नहीं डालते, वैसे त्रयावर्ता योगी तस्य तृतीय आवर्ती गर्भाशय प्रतिष्ठिता, तो उत्तर बस्ती देते समय ग्रंथ में क्या आया है, वाग्भट निकालो, चरक निकालो, कुछ भी निकालो, क्या है, पेशेंट को सुलाना है, पोजीशन में बिठाना है, अगर स्त्री है कुमारी है तो 2 अंगुली, स्त्री है तो 4 अंगुली उसको कैथेटर डालना है और बस्ती दे देनी है। वो सर्विस के अंदर डाल के कोई देना है ऐसा नहीं बताया है, सिर्फ 4 अंगुली 2 अंगुली ऐसा वर्णन आया है। तो मैंने सर को पूछा था कि सर मैं उत्तर बस्ती नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना ऑटोक्लेव करना, सारे पेशेंट को सर्जिकल जैसा इन्वायरमेंट तैयार करके करना, इन्फेक्शन ना हो इसकी सारी कंडीशन देखना, ये मेरे से नहीं होता सर क्योंकि मेरे पास पेशेंट ज़्यादा। सर ने बताया कि ग्रंथ में जो आया है उसके हिसाब से करो, सिंपल हमने देखी थी सर के यहाँ पे एक फीमेल को तो पोजीशन ने सिंपल 4 अंगुली ऐसा देखा था पेशेंट के ऊपर और फीडिंग ट्यूब डाली थी सिंपल, ना पस्कोज लगाया था ना बाकी कोई स्पेकुलम लगाए थे, सिंपल करने 4 ml उसको परवृत्त की उत्तर बस्ती दी थी, बस ग्रंथ पढ़ा। हम वही करते हैं हमारे यहाँ पे हर रोज 30 से 40 कम से कम उत्तर बस्तियाँ तो होती होंगी हमारे यहाँ पे, और सिंपल रहते हैं कि ऐसा थोड़ी लिखा है कि सर्विस के अंदर कैथेटर डाल के या UI का नाला डाल के ही उत्तर बस्ती लेना है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। क्या दिया है, 4 अंगुली डाल के करना है, हम बिल्कुल सोचते नहीं, ग्रंथ में दिया है 4 अंगुली डालना है, 4 अंगुली कैथेटर इंसर्ट करते हैं सीधा बस्ती देते हैं, म्हणजे पृथ्वीवरची सर्वात खराब आमची पंचकर्म चुरुम असेल, आणि तिथं आतापर्यंत कमीत कमी 6 ते 7 हजार उत्तर बस्ती झालेल्या आहेत पृथ्वीवरची म्हणतो, त्याच्यामुळे ऑटोक्लेव्ह ह्या सगळ्या गोष्टी मी कधीच पडलो नाही, पण ह्या सगळ्या गोष्टी प्रेझेंटेशनसाठी करायला पाहिजेत, स्टेजवर बोलणं हे चुकीचं आहे, पण ग्रंथामध्ये जे दिलेलं आहे त्याला फॉलो करणं आणि रिझल्ट करणं आतापर्यंत काम केलेलं आहे। म्हणजे काल 2 दिवसाची व्हिजिट होती, 2 दिवसामध्ये जे काही पेशंट इन्फर्टिलिटीचे होते त्याच्यात 6 ते 7 पेशंटने 2 लाईन घेऊन आले होते किटवर,
ये आनंद जो है, जो आनंद रहता है, हमारे प्रॉब्लम इतना अच्छा है, हमारे स्टूडेंट को भी इसके रिजल्ट आते हैं, जिनको इन्फर्टिलिटी की समस्या है, सिंपल सिंपल चिकित्सा से बताने के बाद वो बच्चे लेके आते। तो मुझे ये कहना है कि जो अभी तक का एक्सपीरियंस था एज इट इज मैंने बताया है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या वो एक्सपीरियंस से जब तक 1000 पेशेंट होते नहीं तब तक हम वो परफेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन इतने से अभी तक पेशेंट नाराज हुए हैं, कोई पेशेंट वापस गया है ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पेशेंट ऐसे कवर हो जाते हैं। तो अभी तक सुबह से अभी तक जो अभी तक हमने देखा है, जैसे मेल इन्फर्टिलिटी, फीमेल इन्फर्टिलिटी, योग और बाकी विद्ध कर्म और अग्नि कर्म, ये सारे मिल के ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई दवाई देते नहीं है, औषधि का भी उपयोग करना पड़ता है। उत्तर बस्ती है, बस्ती है, सौमनस्यम गर्भधारणा नाम जो हम कहते हैं, तो हर एक पेशेंट को पीछे भेजते हैं, एक 20 क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन के अनुसार विद्ध कर्म रखते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल रहते हैं, भांडता का, त्याच्यानंतर बाय नवरा बोलला तर ताण येतो का, बाळ राहत नाही म्हणून ताण असतो का, संबंध ठेवावे वाटतात का, नवरा आवडतो का, बायको आवडते का, सासू सासरे ओरडतात का, त्यांचं टेन्शन येते का, दुसऱ्याला लेकरू झालेलं पाहून डोक्याला ताक होतो का, दुसऱ्या लेकरू झाल्यानंतर तुम्हाला होत नाही याच्यामुळे तुम्ही सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता, पीरियड्स आल्यानंतर डिस्टर्ब होता का, पीरियड नाही आल्यावर डिस्टर्ब होता का, संबंध ठेवताना विचार वेगळीकडेच असतात का, संबंध ठेवत असताना पुरुषाप्रती इच्छा असते का, इच्छा नसताना संबंध होतात, जबरदस्तीने संबंध होतात, तारीख दिली म्हणून संबंध होतात, थकून आल्यावर संबंध होतात, की कधीही संबंध ठेवण्याची इच्छा असते, असे 15-20 सौमनस्यम गर्भधारणांचे आम्ही प्रश्न निकाल के रखे हैं। हमने 20-25 हमने क्राइटेरिया रखा है, 20 में से अगर 5 है तो इजी इन्फर्टिलिटी है, 20 में से 10 है तो मिडल है, 20 में से 10 के ऊपर है तो ये हार्ड इन्फर्टिलिटी है, हार्ड है तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग रोज पूछना है, कैसी है, क्या है, होगा होगा नहीं होगा, 5 के नीचे है तो उसको बात भी नहीं करनी, सिर्फ अगले महीने वो प्रेगनेंसी लेके आएगा। सिंपल सिंपल ये क्राइटेरिया रख के हम काम करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि हम सब परफेक्ट है, मैं इन्फर्टिलिटी चिकित्सा ना मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ ना इन्फर्टिलिटी का डॉक्टर हूँ, मैं खुद को नहीं कहूँगा, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस रेट बहुत है, अभी तक जितने पेशेंट पे काम किया है रेट ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन के बाद लोग कहेंगे भाई इन्फर्टिलिटी विद्ध कर्म की एक अलग ब्रांच हो जाएगी, क्योंकि हम गायनेकोलॉजी स्टूडेंट हम तैयार कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारे तैयार किए हैं, सुबह से ही जिन्होंने एक साल में प्रैक्टिस डाली है वो स्टूडेंट बोलते हैं सर 5 इन्फर्टिलिटी के हो गए, 10 इन्फर्टिलिटी के हो गए। तो ये हर एक ने इस्तेमाल करना है, जो हम हर साल का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं तो इतना इजी नहीं है, एक साल का एक्सपीरियंस इतने सारे प्रैक्टिस में हम इकट्ठा करके एक्यूरेसी से, ऐसा है स्टेज में बात कर रहा हूँ और आप कल मुझे नहीं बोलना है सर ने आपने बताया और हमें रिजल्ट नहीं आया, ऐसा होगा ही नहीं। इसका जिम्मेदारी जनवरी से लेके हर एक पेशेंट के ऊपर काम करके आपको आज बताया है, बहुत सारी बातें हैं, 1-2 घंटे में होगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन जो अभी तक हमने अभी तक 200-250 व्याख्यान में दी है वो इतनी सक्सेसफुल डायरेक्शन है कि स्टूडेंट कहीं से भी मुझे फ़ोन करते हैं सर इसकी वजह से आपके खाली वीडियो देख के हमें रिजल्ट आ रहा है ऐसा बोलते हैं। अगर इससे ही भी मैं बताऊंगा, अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो क्लिनिक में आ जाइएगा, मैं आपके हाथ से विद्ध कर्म करवाऊंगा, उसके बगैर आपको समझेगा नहीं, क्योंकि अपेंडेक्टॉमी अभी मैंने सीखी है और कल से आप अपेंडेक्टॉमी नहीं कर सकते, करोगे तो फंस जाओगे, थोड़ी थोड़ी कर्माभ्यास भी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने पिछले साल बताया था लेक्चर के अंत में, आज भी बताऊँगा कि 1 साल का मौका है आपको, अगले साल तक बहुत बड़े बड़े प्राइज हैं, 10,000-12,000 मिले हैं बच्चों को, तो सभी ने हम अपने अपने जो केसेस हैं जो
प्रेजेंट कीजिएगा। इस साल भी बहुत अच्छे केसेस आए थे और जो भी प्रैक्टिस करते हैं युवा वैद्य पुरस्कार हम गोप्टे मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से देते हैं, कोई भी ले सकता है। हमारे क्राइटेरिया है सिंपल है, 5-6 क्राइटेरिया। आपने मृदकर्म अग्निकर्म करना चाहिए सर का, उसके बाद में आयुर्वेद बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, आपका रूरल एरियाज में काम होना चाहिए, आप फ्री सेवा कहीं ना कहीं तो भी करनी चाहिए, आप स्टूडेंट सिखाने चाहिए, जिसको ज़्यादा मार्क मिलेंगे उसको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। तो मुझे सबसे ये कहना है कि आप इसके ऊपर काम करो। हमारे सारे विद्यार्थी हैं, नीतू मैडम है, मैं हूँ, हर समय में इसके पीछे ही लगे हुए हैं। हालांकि बिजी होने के कारण तुरंत रिप्लाई नहीं आता है, और बीमार होंगे तो 7-7 दिन रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन बाद में तो रिप्लाई आता है और सारे क्वेश्चन के हम आंसर देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।